दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने एक बहुत सुंदर फिल्म केरला स्टोरी जरूर देखी होगी, जिसमें हिंदू धर्म के ऊपर कई सारे प्रश्न उठाए गए हैं। उनके उत्तर तो फिल्म नहीं देती, लेकिन हम उन सवालों के सभी जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर देंगे। सबसे पहला सवाल, हिंदू धर्म में कितने भगवान होते हैं या तुम्हारे कितने भगवान होते हैं? दोस्तों, ये हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी है, जिसमें हिंदू धर्म को समझाया गया है, और यही चित्रकारी अयोध्या मंदिर में भी लगने वाली है। इसमें सबसे ऊपर परमात्मा को चित्रित किया गया है। याद रखिए, हिंदू धर्म या सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म में एक ही परमात्मा है, जिसको हम परमेश्वर, प्रभु, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। इसका कोई रूप नहीं है, यह एक बहुत विशाल ऊर्जा की तरह है, जिसमें अनेकों रूप समाए हुए हैं। वो अजर है, अमर है, ना पैदा होता है ना मरता है, ना उसे कोई जला सकता है ना कोई उसे गला सकता है। अच्छी और बुरी शक्तियाँ, इंसान, पशु, पक्षी, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब उसमें समाहित है। इस परमात्मा का एक भाग, जिसे हम आत्मा कहते हैं, हम सबके भीतर है। परमात्मा के इसी वर्णन को दोस्तों आने वाले सभी धर्म को प्रभावित किया, जिसमें ईसाई, ज्यू, पारसी, इस्लाम, सिख, बुद्ध, जैन सभी हैं। इन्होंने इससे मिलती जुलती बातें करी और सोल, स्पिरिट, रूह, आत्मा को अपनाया। परमात्मा के नीचे उसके शक्ति रूप हैं, जिन्होंने मनुष्य रूप लिया, और वो भी अजर अमर है, ब्रह्मा, जो हमें और आपको सबको पैदा करते हैं, सावित्री, जिन्होंने हमें ज्ञान देती हैं, विष्णु, जो हमारे पालन करता है, लक्ष्मी, जो हमें धन दान देती हैं, शिव, जो हमें मृत्यु देते हैं, और पार्वती, जो हमें शक्ति देती हैं। उसके नीचे दोस्तों अवतार हैं, जो आम इंसान की तरह पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। फिल्म का दूसरा सवाल था कि शिव अगर भगवान हैं तो अपनी मृत पत्नी को लेकर क्यों घूम रहे थे और उसको वापस जीवित क्यों नहीं किया? दोस्तों, जैसा कि बताया गया, शिव भी परमात्मा की वो शक्ति हैं जिनका मुख्य कारण जीवन वापस लेना है। वो भोले हैं, गरीब, असहाय, विकलांगों के साथी हैं, और उनका स्वरूप एक ब्रह्मचारी बाबा का है। एक मनुष्य रूपी नारी सती ने उनके हृदय को जीता और शिव ने उनसे विवाह किया। सती ने शिव के अपमान के कारण आत्मदाह किया। सती एक भक्त, एक प्रेमिका, एक पत्नी थी, जिसके प्रेम के कारण शिव ने उनके जले हुए शरीर को गुस्से में विष्णु के साथ अलग अलग स्थान पर स्थापित किया, ताकि लोग उनकी आने वाले समय में पूजा कर सकें। जहाँ तक जीवित करने की बात है, शिव ने सती को वापस जीवित किया और पार्वती के रूप में अपनी पत्नी बनाया, और वो अजर अमर हो गई। पार्वती ने ही पृथ्वी पर 9 अवतार लिए, जिसमें दुर्गा का भी अवतार है। तीसरा सवाल, राम अगर परमात्मा या भगवान थे, रावण उनकी पत्नी को ले गया, तो उन्होंने सेना या दूसरे लोगों की मदद क्यों ली? स्वयं ही रावण को मार के सीता को वापस क्यों नहीं ले आए? दोस्तों, जैसा बताया गया है, परमात्मा या शक्ति रूप जब भी पृथ्वी पर अवतार रूप में आते हैं, वो एक आम मनुष्य की तरह आते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता है, पता होता है, परंतु वो उसको व्यर्थ नहीं इस्तेमाल करते और सबकी मदद से धर्म की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार राम ने रावण को मारने में सभी को जोड़ा और धर्म की स्थापना करी। जिस प्रकार आपको बच्चों के बीच में जाके अगर उनको कोई बात बतानी होती है, तो आपको भी बच्चा ही बनना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य ही बनना पड़ता है। हर मैसेंजर, पैगंबर, गुरु, तीर्थंकर मनुष्य रूप में ही तो पृथ्वी पर आए। चौथा सवाल, हिंदू भगवान कृष्ण की हजारों गोपियां थीं और 16,008 पत्नियां, और वो रासलीला करते थे। पहली बात, कृष्ण की गोपियों के समय का रासलीला का समय उनके बचपन का है, ना कि जवानी का। वह समय वह पवित्र हृदय से गोपियों के साथ बिताते थे, जिसमें प्रभु वंदना, बांसुरी वादन, नृत्य नाटिका, हंसी मजाक, ये सब होता था। बड़े होने पर उनकी 8 रानियां थीं, जो कि एक राजा के लिए आम बात होती है। उन्होंने 16,000 अविवाहित लड़कियों को राक्षस राजा नरकासुर से छुड़ाया था, और क्योंकि उन लड़कियों को समाज गलत नज़र से देखता था, उन्होंने उन्हें अपनी पत्नियों की तरह अपनाया और समाज में स्थान दिया, परंतु इससे अधिक उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा, इसलिए उनकी 16,008 रानियां बोली जाती हैं। अंग्रेजी भाषा, अरेबिक भाषा या और कोई भाषा में हमारे शक्ति रूप अवतार देवी देवता के लिए कोई शब्द नहीं है, ना वो हमारे संस्कार संस्कृति को अपने तरह से समझ सकते हैं, इसलिए वो गॉड गॉडेस कहते हैं, वो उनकी कमी है, हमारी नहीं। उम्मीद है आपको सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि ना मिले हों,
सुधीर जी @rediffmail पर भेजकर जरूर पूछें।